दिल्ली एम्स सर्वर हैकिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले के तार दूसरे देश से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इसकी साजिश चीन से हुई है। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल इन्फेक्टेड सर्वर को सेंट्रल फोरेंसिक लैब भेजा हुआ है। जल्द ही इसकी रिपोर्ट आ सकती है। रिपोर्ट आने के बाद हैकिंग के सोर्स का पर्दाफाश हो जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली एम्स के अलग अलग कुछ सर्वर हैक किए गए थे, जिनमें से कुछ को रिकवर कर लिया गया। दिल्ली पुलिस आधिकारिक तौर पर अभी इस मामले में कोई खुलासा नहीं कर रही है। सूत्रों से खबर है कि हांगकांग के जरिए ये साजिश हो सकती है। आपको बताते चलें कि एम्स पर हुए साइबर अटैक की वजह से पूरे अस्पताल का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। ओपीडी समेत कई सेवाएं ठप हो गई थी। इस साइबर हैकिंग की जांच दिल्ली पुलिस कर रही थी। इस साजिश ने देश की सुरक्षा एजेंसीज के कान खड़े कर दिए थे। एम्स का सर्वर 23 नवंबर की सुबह 7 बजे डाउन हुआ था। 24 घंटे बाद भी सर्वर ठीक नहीं हो पाने के बाद एम्स के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस को इस मामले की जानकारी दी थी। एम्स की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। इस मामले को दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यूनिट को सौंप दिया गया। इसके बाद कई दिनों तक मेडिकल संस्था का डिजिटल कामकाज काफी प्रभावित रहा। इसके बाद दिल्ली एम्स की मेडिकल सुविधाओं में लगे लगभग सभी 5000 से ज्यादा कंप्यूटर्स को फॉर्मेट कर नए सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस और फायरवॉल को अपलोड किया गया। खबर है कि हैकर्स ने संस्थान से क्रिप्टोकरेंसी में 200 करोड़ रुपए की मांग की थी, हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस बात से इनकार किया है। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय, कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।